ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज मैंने सुबह उठ के सबसे पहले एक बढ़िया सा शावर लिया, बिकॉज़ कल रात को मैंने अपने बालों में तेल लगाया था एंड उसको निकालने के लिए जिम जाने से पहले ऑब्वियसली मैं शावर करने वाला हूँ एंड वो हो गया। अभी मैं अपने दिन का पहला पढ़ाई का सेशन लगाने बैठने वाला हूँ। हम लोग इकोनॉमिक टाइम्स एंड आई थिंक बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ेंगे टू अपडेट आर सेल्व्स, यू नो, मैक्रो इकोनॉमिक एंड ग्लोबल न्यूज़ के बारे में एंड न्यूज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स टू। एंड उसके बाद हम बैक ट्रेन करने जाने वाले हैं। आई नो मेरे स्प्लिट के अकॉर्डिंग आज बैक की जगह चेस्ट होना चाहिए, बट हम लोग कल एक बहुत स्पेशल चेस्ट डे लगाने जाएंगे एक दूसरे जिम में साकेत के साथ में एंड वील फिल्म दैट होल थिंग। एंड हमारा स्प्लिट थोड़ा मैच नहीं हो रहा था इसलिए मैंने अपना बैक और चेस्ट डे स्वैप कर दिया, बट आज भी बहुत मज़ा आएगा। बैक इज़ माई फेवरेट मसल ग्रुप टू ट्रेन, सो आई एम एक्साइटेड। पढ़ाई करने बैठते फटाफट, प्री वर्कआउट मील लेंगे एंड देन वी हेड स्ट्रेट टू द जिम। सो सी यू गाइस देयर। वेलकम टू बैक डे। ट्रेडिशनल बैक डे जैसे हम हर दिन स्टार्ट करते हैं वैसे ही करने वाले हैं। लैट पुल डाउन के दो सेट, लास्ट टाइम 89 केजेस के साथ वी गॉट 6 रेप्स, सो टुडे विल ट्राई टू पुश फॉर 7। और आज मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर लैट पुल डाउन करने के बाद एक सेट वो हाई रो पे भी करूँगा। सो देखते हैं, आज थोड़ा सा कुछ अलग करने का मन कर रहा है बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ द रेगुलर लैट पुल डाउन। सो लेट्स सी प्लान ऑफ एक्शन क्या बनेगा एंड लेट्स गेट इट। I'm here only because you still won't ever let me go. I'm here only because I'm aware with you is better than all alone. ओके, एक फाइनल मूवमेंट बैक के लिए हम चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो लगाने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ऑल आउट सेट होगा टिल फेलियर तक, बिकॉज लैट पुल डाउन के बाद हमने 2 से 3 सेट हाई रो पे भी किए थे। आई डोंट वांट टू डू टू मच वॉल्यूम एंड कॉलेज भी है तो घर जाना है। सो 61 केजीज मैंने कभी पहले किया नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग 54 के साथ वी गॉट 9 रेप्स आई फील। सो लेट्स गो ऑल आउट ऑन दिस सेट एंड क्या बोलूँ, लेट्स गो। अरे यो मैडो, अभी एक सेट लैट पुल डाउन पे करेंगे क्योंकि वो मैंडेटरी रहता है एंड रेडल्स डन।
ओके, फाइनल बैक मूवमेंट के लिए हम एक सेट लगाने वाले लैट पुलओवर्स पे, एकदम बढ़िया ऑल आउट। द रीज़न कि मैं लैट पुलओवर्स करता हूँ इज बिकॉज ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें मुझे अपने पूरे लैट्स अकेले आइसोलेट होते हुए फील होते हैं, एंड आई जस्ट रियली गेट अ वेरी गुड माइंड मसल कनेक्शन मेरे बैक के साथ। एंड आई फील लाइक बैक ट्रेनिंग में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज लॉट ऑफ यू गाइस आई नो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग फेजेस में बैक के साथ एक माइंड मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट हाउ यू कैन ग्रो योर बैक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, डू चेक दैट आउट। उसमें आई थिंक कुछ अच्छे टिप्स दिए मैंने अबाउट हाउ यू कैन इंप्रूव योर माइंड मसल कनेक्शन विद योर बैक। सो या अभी रियडल्ट करते हैं 3 हार्ड ऑल आउट सेट्स एंड देन विल गो होम। एक फाइनल सेट रियडल्ट के फ्लाइज पे, 2 सेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एंड फाइनल वर्किंग सेट के लिए मैंने 26 केजीज डाला विथ 1 वेट प्लेट रहता ना, मतलब जब वेट थोड़ा कम लगे बट नेक्स्ट वेट थोड़ा ज़्यादा लगे तो उसके बीच वाला वो डाला है, एंड मैंने पुश दिस फेलियर एंड एंड में थोड़े से पार्शल्स भी करेंगे इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। सो लेट्स गो। थोड़े कम रेप्स मिले जितना मैंने प्लान किया था उससे, बट इट्स ओके, वी पुश्ड इट टिल फेलियर स्लो एंड कंट्रोल के साथ। तो बैक डे खत्म, वी डू लिटिल बिट ऑफ पोजिंग एंड देन घर जाएंगे। हम हुक जैसे ही यूज करने का ऑलरेडी होने आई एग्री गाइस, ये उसका बड़ा भाई है। भाई लोग यस गेट दैट प्रोटीन इन। Flex. Ah, biceps. All right, guys, back from college. बहुत लंबा दिन था honestly, आज कॉलेज में मैं एकदम ड्रेन हो गया हूँ। हमारा आज वेडनेसडे है राइट? या सो वेडनेसडे को मेरा कॉलेज 1 PM टू 7 PM होता है, एंड मेरा कॉलेज क्योंकि मेरे घर से इतना दूर है तो मैं घर से यूजली 12:15 के आसपास निकलता हूँ, एंड मैं अभी 8 बजे घर वापस आया हूँ। सो थोड़ी देर आराम करेंगे, डिनर करेंगे, एंड एज यू गाइज नो मैं अपने कैट के ग्राइंड पे वापस आ चुका हूँ। सो पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा खासा हम पढ़ाई का सेशन लगाएंगे, स्पेशली कैट रिलेटेड। आज कॉलेज की ज़्यादा पढ़ाई नहीं करूँगा, एंड मैं सुबह न्यूज़ का रीडिंग सेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, सो आज मेरे को शाम का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक मैं क्वांट एंड थोड़ा सा आज DILR भी करूँगा। सो या लेट्स गेट इट बॉयज, आज से एकदम सीरियस पढ़ाई चालू, एंड कल एक बहुत इंटरेस्टिंग डे होने वाला है जिसके बारे में मैं पढ़ाई के बाद में बात करूँगा। या चलो आपको इतना टीज़ नहीं करता हूँ, कल हम लोग साकेत के साथ चेस्ट ट्रेन करने जाने वाले हैं टू माई ओल्ड जिम। इट्स जस्ट गोइंग टू बी द बोथ ऑफ अस, शूट करेंगे, बहुत फन आने वाला है। एंड ऑनेस्टली आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इतना सीखने के लिए। दीज लास्ट फ्यू डेज हम लोग ने साथ में ट्रेन किया है, एंड हम लोग ने बहुत बातें करी है, एंड वेरी वेरी एंड आई वुड से कि ये एक बहुत क्रेजी लर्निंग एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे लिए, एंड आई कांट वेट टू सी कि मैं 4 साल बाद एक 6 ईयर ट्रेनिंग मार्क जब मैं हिट करूँगा मैं कहाँ पर होऊँगा, बिकॉज मेरे को ऑलरेडी अपने फिजिक में इतने ब्यूटिफुल चेंजेस नज़र आ रहे हैं, एंड आई जस्ट मतलब बहुत क्रेजी होगा। मैं ऑनेस्टली अभी से ही कह सकता हूँ कि 4 ईयर्स डाउन द लाइन
मतलब हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, लाइक फुल इंडस्ट्री चेंजिंग लेवल पे ऑनेस्टली. क्योंकि मैं स्पेसिफिक ओनली हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करता हूँ. मेरे प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग वाइज सब के सब सेट है, कभी भी डिविएट नहीं होता हूँ. एंड मेरी ट्रेनिंग अप्रोच लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है एंड मेरे को गारंटीड रिजल्ट्स मिलने ही वाले हैं. सो इट्स गोना बी फन. मतलब ये जो राइड होने वाली है इट्स गोना बी क्रेजी. बट एनीवेज थोड़ा डिल्यूजनल काम हो जाते हैं एंड पढ़ाई करने बैठते हैं. सो लेट्स गो. ऑलराइट, आज की कैट की पढ़ाई डन. एंड आज मैंने मोस्टली वो टॉपिक्स रिवाइज किए जो हमने कॉलेज के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हम रेगुलरली कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर्मूलेज भूल गया था एंड थोड़ा ब्रश अप करने की नीड थी. तो सबसे पहले हमने एलिगेशंस, मिक्सचर्स एंड एवरेजेस का रिविजन किया क्वांट में. एंड उसके बाद मैंने नया टॉपिक चालू किया है विच इज़ रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन. लास्ट ईयर की प्रेप में मुझे ये सबसे ईजिएस्ट टॉपिक लगा था, इसलिए आज मैंने फटाफट से थोड़ी सी थियोरी पढ़ी एंड मैं सीधा सम सॉल्व करने बैठ गया. एंड इट्स बिन गोइंग प्रीटी गुड अभी. बट 10:30 हो गया, 10:50 हो गया एक्चुअली, शिट. एंड मुझे सोने जाना क्योंकि कल मैं जल्दी उठूंगा थोड़ा सा, बिकॉज कल के ट्रेनिंग सेशन के पहले आई वॉन्ट टू ईट अ लिटल फूड. अच्छा पम्प चाहिए, कल हम बहुत स्पेशल बंदे के साथ ट्रेन करने वाले हैं, ऐसा टोल्ड यू गाइस. एंड इट्स गोना बी रियली फन. एंड आई थिंक अवधूत भी आने वाला है फिल्म करने के लिए. एंड मेरे को उसके साथ भी बहुत मजा आता है, वो बहुत बहुत प्यारा बंदा है वो, ऑनेस्टली मतलब बहुत प्यारा है. सो या हम लोग उनके साथ ट्रेन करेंगे एंड इट्स गोना बी फन. एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो देन. तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग. कल मिलेंगे एक बढ़िया से चेस्ट डे के लिए. इट्स गोना बी क्रेजी. लेट्स गेट इट. ओके गाइज, गुड नाइट ऑफिशियली. इसको भी नींद आ रहा है. रेडी टू स्लीप. सो गया, सो गया, सो गया, सो गया, सो गया. बाय बाय बोलना भाई. कैन यू से बाय? नहीं, ठीक है, मत बोल. फाइनल चांस, फाइनल चांस. बाय बोल, ऐसा बोल. नहीं, ओके.